यूरिक एसिड बढ़ने के साथ हाथ पैर में आ गई है सूजन, तो आपके काम आएंगे ये देसी नुस्खे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, आजकल हर दूसरा व्यक्ति हाई यूरिक एसिड से परेशान है। यह समस्या शरीर में यूरिन नामक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड अधिक होने पर किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण हाथों पैरों में समस्या होने लगती है। वही घुटनों, एड़ियों, उंगलियों में दर्द है तो समझें शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है। साथ ही खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर हाथों पैरों में सूजन भी आ जाती है, जिसके कारण उठने बैठने में परेशानी हो जाती है। ऐसे में यहाँ हम आपको कुछ ऐसे देसी नुस्खे बताएंगे जो यूरिक एसिड के कारण हाथों पैरों में आई सूजन व दर्द की छुट्टी कर देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। भरपूर पानी पिएं। हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे नियमित पानी पीते रहें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। इससे यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा। फाइबर से भरपूर फूड्स, डाइट में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जिसपे भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद हो। इसके अलावा विटामिन सी के सेवन से यूरिक एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है। सरसों के तेल से मालिश करें। सोने से पहले सरसों के तेल को गुनगुना गर्म करके हाथों पैरों की मालिश करें और फिर मोजे व दस्ताने पहन लें। इससे सूजन कम होने के साथ इनमें होने वाला दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। गुनगुने पानी में पैर डुबोएं। पानी में जैतून तेल व नमक डालकर उबाल लें और फिर गुनगुना करके उसमें पैर डुबोएं। आप चाहे तो इसके लिए नीम की पत्तियां का यूज भी कर सकते हैं, इससे भी सूजन व दर्द से राहत मिलेगी। नींबू का रस। सूजन की समस्या से परेशान लोगों को नींबू का रस निकालकर सूजन वाली जगह पर लगाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। हल्दी और ऑलिव ऑयल। जैतून के तेल में हल्दी मिक्स कर हल्का गर्म करके लगाने से भी सूजन और दर्द से छुटकारा मिलता है। प्याज भी है कारगर। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण प्याज भी उंगलियों में होने वाली सूजन दूर करता है। प्याज के रस को सूजन वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा।